talk. तेरा बाप सब लवली पीपल, आज मैं आपको पिक्सआर्ट में एक अच्छी सी एडिटिंग बताने वाला हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने एल्बम में। एल्बम में जाने के बाद मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पर मेरी मॉडल का ये फ़ोटो है, तो मैं इसको पिक्सआर्ट में सेंड कर लेता हूँ। सो गाइस, पिक्सआर्ट आने के बाद हमें टूल के ऑप्शन में क्लिक करना है। टूल के बाद एडजस्ट, एडजस्ट के बाद क्लियरिटी, क्लियरिटी के बाद हम लोग इसकी क्लियरिटी पूरी बढ़ा देंगे। उसके बाद इरेज पे जा कर के जितने भी हमारे चेहरे पे और हाथ पे जितने भी आ गए हैं उसके कलर के इफ़ेक्ट, उसको हम इरेज करेंगे। तो मैं ये जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने पूरे अच्छे से फ़ोटो को यहाँ पर इरेज कर लिया है। तो मैं इसे सिलेक्ट करने सही लग जाता हूँ और यस, ये बहुत अच्छे से इसके शर्ट पे ग्लो आ गया। उसके बाद हमें टूल पे जाना है। टूल के बाद एडजस्ट, एडजस्ट के बाद हमें यहाँ पर इसकी कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद हमें सेचुरेशन, सेचुरेशन को यहाँ पे थोड़ा सा फुल कर देंगे और यहाँ पे सही कर देंगे। उसके बाद हमें फिर टूल पे जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ब्राइटनेस को हम थोड़ी बढ़ाएंगे। ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद यहाँ इरेज पर जाएंगे। इरेज के बाद मर्ज पे जाएंगे। मर्ज के बाद हमें सिर्फ फेस और हैंड पे ही मारना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। मैंने अपने हैंड और फेस पे मार लिया, आपको फ़र्क पता चल ही रहा होगा। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे टूल पे, टूल पे जाएंगे क्रॉप। मेरे फ़ोटो के कुछ ज़्यादा ही लेंथ हो गए, तो मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ फ़ोटो को। सो मैंने इतना क्रॉप कर लिया, सही है। उसके बाद मैं ऐड फ़ोटो में जाऊँगा। ऐड फ़ोटो में एक PNG ऐड करूँगा ये। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड रखूँगा मल्टीपल। मल्टीपल के बाद इसका एक ये फिंगर के सामने ले आऊँगा और मेरी जो फ़ोटो पे, जो मेरे फेस पे जो आ रही है इसकी क्रैक वर्जन, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो मेरी फ़ोटो रीसेट हो गई है, पूरी अच्छी सी हो गई है। मैं अब इसे लाइटरूम में कलर ग्रेडिंग करने वाला, तो चलिए लाइटरूम में। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम में। लाइटरूम में मैं इसे कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ। पहले तो मैं इसका एक्सपोजर बढ़ाने वाला हूँ। तो एक्सपोजर बढ़ाने के बाद इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूँगा। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं वाइट को थोड़ा हल्का कम करूँगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइन आ रही है वाइट रंग की, तो मैं यहाँ पर ब्लैक को भी कम करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर शैडो को मैं थोड़ा इनक्रीज कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा वाइब्रेशन को, थोड़ा वाइब्रेंस को मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा और टेम्परेचर को मैं थोड़ा डिक्रीज कर दूँगा। उसके बाद यहाँ मिक्स पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ मिक्स आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे मिक्स आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको मिक्स दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। मिक्स टूल पे आने के बाद आपको ग्रीन पे सिलेक्ट करना है। ग्रीन का ह्यू पूरा माइनस करना है। आप माइनस या फिर प्लस अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपका ग्रेडिंग बहुत अच्छी हो, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस पे ले देता हूँ और इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद हम येलो पे ले जाएंगे। येलो के भी ह्यू को कम कर देंगे। येलो के ह्यू को कम नहीं, इसके सैचुरेशन को हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम ब्लू पे जाएंगे। ब्लू के ह्यू को कम कर देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी ह्यू को कम कर देंगे और यहाँ पे सैचुरेशन हम बढ़ा देंगे। उसके बाद उसके बगल वाले कलर पे जाएंगे। उसके बाद उसके ह्यू को कम कर देंगे और सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। ल्यूमिनस को भी बढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम यहाँ पे पिगमेंट को थोड़े घटाएंगे। पिगमेंट को घटाने से फ़ोटो में एक आपको फोकस लगता है। तो हम यहाँ पे क्लियरिटी को थोड़ी बढ़ा देते हैं। क्लियरिटी बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे शार्पनेस पे जाएंगे। शार्पनेस को बढ़ा देंगे। शार्पनेस बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे डिटेल। डिटेल को आप जितना फुल कर सकते हो उतना फुल कर दीजिए और नॉइज़ रिडक्शन को भी हाफ में ले जाइए। ऐसे फ़ोटो में बहुत स्मूथनेस आएगा। फिर डिटेल यहाँ पे है तो इनको भी फुल कर देते हैं, कलर ग्रेडेशन को थोड़ा सा। उसके बाद स्मूथनेस पूरा फुल कर दीजिए और डिटेल को भी पूरा फुल कर दीजिए। सो गाइस, पूरी फ़ोटो हम लोग इसी तरह से ग्रेडिंग कर। अगर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।